स्वागत है आपका मधुरा फूड चैनल पे। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलो तो हम शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं टमाटर की चटनी। ये सामग्री का लिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टमाटर के अंदर सोडियम और फाइबर रहता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। ये हमारे घर के टमाटर है, सीड में से ही ग्रो किए थे। आप पॉट में भी ग्रो कर सकते हो, इजीली ग्रो हो जाते हैं। ये टमाटर हमने निकाल लिए, अभी इसको अंगार पे रखेंगे पकाने के लिए। मैंने 3 टमाटर लिए। 100 ग्राम टमाटर में 16 कैलोरी रहती है। बेक साइड पकने के बाद उसको पलटा लेंगे। डायरेक्ट गैस पे करना हो तो डायरेक्ट भी गैस पे आप ऐसे पका सकते हो। ये पक गए, 5 मिनट में तो पक जाते हैं। अब इसको वॉश कर लेंगे। अब एक मिक्सचर जार में लहसुन की कलियां डालेंगे 12 से 13, और ये अदरक 2 इंच जितना, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, टमाटर के छिलके निकाल लेंगे। अब इसके पीसेस कर लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। मिक्सचर जार में इसको पीस लेंगे। अभी तड़का लगाएंगे। 1 चम्मच जितना ऑयल लिया है, उसमें सरसों डालेंगे। सरसों फूटेगी तो ढक्कन लगाएंगे। जीरा, मीठे नीम के पत्ते, जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो डाल देंगे। थोड़ा सा डाल के ढक्कन ढक देंगे। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें धनिया डालेंगे 1 चम्मच जितना। मिक्स कर लेंगे। यह हो गई हमारी टमाटर की चटनी। टमाटर में बीटा कैरोटीन रहता है जो हमारे आंख के लिए बहुत ही हेल्दी है, प्लस उसमें विटामिन सी, ई और ए भी रहता है। फॉलिक एसिड रहता है जो हमारी ब्लड की कमी को दूर करता है। इसके लिए प्रेग्नेंट लेडी को टमाटर जरूर खाना चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।